पिकनिक स्पॉट निर्माण की सुस्त गति पर वोरा ने जताई नाराजगी। ठगड़ा बांध में ही चौपाल लगाकर अधिकारियों को दिए कार्य में तेजी लाने के निर्देश। क्लीन सिटी के लिए दुर्ग का ठगड़ा बांध अनूठे पिकनिक स्पॉट के रूप में आकार लेने लगा है, किंतु निर्माण की धीमी गति से वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा नाखुश हैं। 16 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से यहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के सेहत एवं मनोरंजन का इंतजाम करने की योजना प्रस्तावित है, किंतु अभी तक बांध अपने स्वरूप में नज़र नहीं आ रहा है। निर्माण प्रारंभ होने को लंबा समय बीत जाने के बावजूद अब तक एक फेज भी पूर्ण नहीं हो सका है। इसी कड़ी में शुक्रवार को विधायक वोरा ने स्थल पर ही अधिकारियों की चौपाल लगाकर अंतिम रूपरेखा तैयार करने के सख्त निर्देश दिए। वोरा महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त हरेश मंडावी एवं पूरे नगर निगम के अमले के साथ स्थल पर पहुँचे एवं जल्द से जल्द स्पॉट को पूर्णता की ओर ले जाने आखिरी चरण की कार्य योजना पर चर्चा की। साथ ही वोरा ने निविदा एजेंसी को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि बरसात के पूर्व आईलैंड एवं गहरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाए, जिससे लोग बोटिंग का आनंद लेते हुए पानी के बीच निर्मित आईलैंड तक पहुंच सकें। साथ ही परिवारजनों के साथ पिकनिक के लिए पहुंचे लोगों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो। वहीं नगर निगम आयुक्त ने बताया कि 7 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से अब तक राशि खर्च की जा चुकी है। अब फिनिशिंग में पाथवे, फूड प्लाजा, पार्किंग, रेलिंग, टॉयलेट, वाटर सप्लाई, लैंडस्केपिंग एवं बच्चों की खेल सामग्री का काम कराया जाएगा, जिस पर वोरा ने युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए जनभावनाओं के अनुरूप ट्विन सिटी के हृदय स्थल पर जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों के साथ दादा दादी नाना नानी पार्क के संधारण कार्य का भी निरीक्षण किया एवं एक सप्ताह के अंदर योगा एवं जुम्बा के लिए तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान पार्षद अमित देवांगन, शंकर ठाकुर, कुमारी साहू, उषा ठाकुर, एल्डरमैन राजेश शर्मा, अंशुल पांडे, गोलू गुप्ता कार्यपालन अभियंता, प्रकाश थवानी अभियंता, वीपी मिश्रा, पंकज साहू मौजूद थे। इस संबंध में न्यूज टीम को आयुक्त ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ठगड़ा बांध में जो है मोस्टली सिविल वर्क हमारे सभी हो गए हैं, ब्यूटिफिकेशन के वर्क हमारे बहुत सारे जो बचे हुए हैं, कुछ उसमें फंडिंग का इशू था जो लगभग हम क्लियर कर भी रहे हैं। और हमारी कोशिश अभी यही है कि बारिश से पहले जो अंदर का जो डिसल्टिंग का काम जो करना है वो काम हमारा हो जाए, ताकि हम इसमें बारिश में हम पानी भर सकें और खास करके आइलैंड का काम जो बचा हुआ है वो हो जाए। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि बारिश से पहले इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करें ताकि पब्लिक के लिए हम। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।